रहेगा। ओह माय गॉड, लिटरली मैं क्या क्या चीजें बनाई गई हैं यार, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। वार्ट मुझे लगी है टॉयलेट, और मैं नर्वस हूं, मैं कैसे क्या करूंगी, बिकॉज थ्रेड उसका लटका हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्पो निकालना है फिर करना है, कि लगे लगे रहने दूं फिर करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम आरती। उम्मीद करूंगी आप सब सही होंगे, बट मैं सही नहीं हूँ, काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। बिकॉज मुझे ना मेंस्ट्रुअल कप मीन्स टेम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इनको यूज करने वाली हूँ। इतना ज्यादा अंदर से अजीब फीलिंग आ रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ अभी। मीन्स जैसे कोई एग्जाम देते हैं ना, ये एग्जाम से भी एक अलग ही फीलिंग है। बाप रे, इतना ज्यादा डर लग रहा है, कांट एक्सप्रेस यार। ओके, तो इन दोनों में से मैंने अभी डिसाइड किया है इसको यूज करने के लिए, बिकॉज टुडे इज माई फर्स्ट डे एंड काफी ज्यादा आलस आ रहा था, नींद भी आ रही थी, तो मैं अभी शाम को सो गई थी। तो मैं उठी हूँ तो आंखें शायद लग सकती हैं सोई हुई, ठीक है। और अभी टाइम अराउंड 7 के करीब का हो रहा है। मैंने डिसाइड किया है इसको यूज करना है, इसको सेकेंड डे पे यूज करेंगे। मीन्स कल यूज करूंगी, कोशिश करूंगी ये दोनों वीडियो मैं एक ही में शूट कर पाऊँ, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना जाए। ओके, तो ये है टेम्पन। ओके, इस टाइप से रहता है, काफी ज्यादा नर्वस हूं मैं। ओके, और यहाँ पे मेरे पास मैनुअल है, साथ ही साथ उसको रीड करूंगी। सबसे पहले मैनुअल और टेम्पन रख के मैं रीड कर लेती हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है, ताकि मैं कहीं मिस्टेक ना करूं। मैनुअल में ना काफी कुछ एक्चुअली लिखा हुआ है, एंड जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने रीड कर लिया है। तो इस टाइप का टेम्पन है, तो ये ना प्लास्टिक से कवर है, तो सबसे पहले ये प्लास्टिक निकालनी है। ये निकालना भी कैसे, ये भी नहीं बन रही है, ऊपर तो ऐसे लगी हुई है। ये निकलेगा भी, ये देखो कैसा हो गया ये। ओके, यहां से निकल गया। ओके, ऊपर की पन्नी निकल गई, यहाँ पे नीचे भी एक लेयर है। ओ ओके, ये देखो। ओके, ये थ्रेड है जो कि नीचे लटकेगा और ये अंदर रहेगा। माय गॉड, लिटरली मैं क्या क्या चीजें बनाई गई हैं यार, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू वॉशरूम एंड आई विल ट्राई दिस एंड होप आई विल डू माई बेस्ट। यू नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो टेम्पन है ना वो निकल के बाहर ना आ जाए, काफी ज्यादा डर लग रहा है। पेन, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने जब उसको इंसर्ट करने की कोशिश की, वो नहीं गया ही नहीं। मालूम है, फर्स्ट टाइम तो जा ही नहीं रहा था, उसके ऊपर ना ब्लड लग गया। जैसे ये टेम्पन है ना, तो इसके इतने हिस्से पे ब्लड लग गया, वो जा ही नहीं रहा था। बहुत ज्यादा मैं डरी हुई हूँ, अभी भी मेरा दिल जो है धक 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 कर रहा है। काफी कम हो गया पहले से, पहले जो डरी हुई थी जितना, अभी तो थोड़ा सा कम है। तो सेकेंड टाइम जब मैंने इसको डाला तो भी नहीं गया, तो भी नहीं गया। एंड थर्ड टाइम मैंने डिसाइड किया, नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट फॉर पुटिंग दिस वन इनसाइड। तो मैंने इसको फाइनली इंसर्ट किया, चला गया था, बट मुझे इसको और अंदर डालना था और मुझसे नहीं हो पा रहा था। इतना ज्यादा पेनफुल था, इतना ज्यादा पेनफुल था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसको ऐसा कभी यूज नहीं किया, एंड बहुत ज्यादा पेन हुआ जब मैं इसको इंसर्ट करी थी। तो वो जो थ्रेड है वो बाहर लटका ही रहता, बट ना मुझे ना और अंदर उसको इंसर्ट करना था, बट मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो जितने तक टेम्पन गया मैंने उतना ही उसको इंसर्ट किया, उसे आगे इंसर्ट नहीं किया, मैंने रहने दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और अभी मैं बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, अभी दर्द है, अभी मीन्स की कुछ इंसर्ट किया है, पूरा फील हो रहा है। और जब मैं चल रही हूँ ना, मेरी चलने की जो चाल होती है वो काफी ज्यादा बदल गई है। मीन्स नॉर्मल जैसे कंफर्टेबल होके मैं चलती हूँ ना, मैं वैसे नहीं चल पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है, वो गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, ऐसा लग रहा है निकल जाएगा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। एंड मैंने ना सैनिटरी पैड यूज किया है। सैनिटरी पैड जो है मैंने ये वाला यूज किया है, विस्पर अल्ट्रा क्लीन, जो कि मुझे पसंद आता है, अच्छा लगता है मेरे को। तो ये मैंने अभी यूज किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। रियली मुझे लग रहा है ना कि मैंने इसको क्यों अंदर डाल लिया है। मुझे लग रहा है मुझे इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, रहने देती, सैनिटरी पैड ही बेस्ट है, मुझे वही ट्राई करना है। गॉड, ऐसा लग रहा है ना कि मत करना ट्राई लाइफ में। लिटरली मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, काफी गंदा एक्सपीरियंस लग रहा है टेम्पन के साथ।
बाकी मैं आपको अपडेट देती हूँ कैसा क्या, और मुझे नहीं मालूम मैं इसको कितनी देर तक इंसर्ट करके रखूंगी, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। डालने टाइम जो हालत हुई, आई डोंट नो निकालते टाइम मेरी क्या हालत होगी, सब सही रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड कितनी देर तक मैं उसको लगाए रहती हूँ, कब तक निकालूंगी, आई डोंट नो, विल अपडेट यू। अभी जो है अराउंड 3 घंटे हो चुके हैं, एंड यू नो वॉट, मुझे लगी है टॉयलेट और मैं नर्वस हूँ, मैं कैसे क्या करूंगी, बिकॉज थ्रेड उसका लटका हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्पो निकालना है फिर करना है कि लगे लगे रहने दूँ फिर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। एंड जब मैं अभी इतना टाइम जो मैंने स्पेंड किया है टेम्पन के साथ में, तो जो फीलिंग मेरी स्टार्टिंग में रही है, जैसा मैं स्टार्टिंग में फील कर रही थी वैसे ही मैं अभी फील कर रही हूँ, दैट इज अनकंफर्टेबल। मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। बेड पे जब मैं सो रही थी तो सीधे सोई थी तो ठीक था, जब मैं इधर उधर पलट रही थी तो काफी ज्यादा फील हो रहा था कि कुछ मैंने वहां अंडर डाला हुआ है, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है लिटरली। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज नहीं करनी थी, सैनिटरी पैड इज बेस्ट, सैनिटरी पैड ही ट्राई करना चाहिए था, सैनिटरी पैड ही यूज करना था, टेम्पन को यूज नहीं करना था। काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या फील कर रही हूँ, कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, जो पेन हो रहा है अलग अजीब सा पेन हो रहा है, वो आई कांट एक्सप्रेस। फिलहाल मुझे लगी है जोर की टॉयलेट, तो मैं जा रही हूँ वॉशरूम, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि क्या चीज क्या हुई। सो नाउ मैंने जो टेम्पन वो निकाल दिया है, एंड लिटरली आई एम फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ, एंड हल्का सा मुझे पेन हो रहा है अभी भी, हो सकता है जो मैंने टेम्पन इंसर्ट किया था उसके कारण मुझे पेन हो रहा है। तो जब मैं वॉशरूम गई तो वहां पे जाके मेरे मन में यही डाउट आ रहा था कि मैं करूं कैसे, समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैं बैठ गई और मुझे टॉयलेट करना था, तो टॉयलेट में ना बहुत ज्यादा खराब तरीके से मैंने की है, मीन्स जैसे टॉयलेट हम नॉर्मल करते हैं, जो यूरिन जो पास होता है वो नॉर्मल पास होता है, बट उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेके कर रही थी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये जो टेम्पन है वो बाहर ना आ जाए, एंड उसकी जो थ्रेड थी वो हो गई गीली, एंड अब मैं वही टेम्पन यूज नहीं कर सकती थी, वही टेम्पन लगाए नहीं रह सकती थी, बिकॉज वो हो गया था गीला और मेरा मन भी नहीं मानता जिस हिसाब से वो गीला हुआ था, मीन्स वो थ्रेड जो था ना वो गीला हो गया था यूरिन से। सो आई डिसाइडेड टू रिमूव दैट, तो मैंने उसको रिमूव किया, ठीक है। एंड जब मैंने निकाला तो जो ये जो साइज है, ये नॉर्मल ये जो साइज है ना, इसका डबल हो गया था, एंड ब्लड फर्स्ट डे है आज मेरा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं निकला, तो जितना मेरा निकला ना 3 घंटे ही मैंने लगभग उसको यूज किया, तो इतना जो है लगभग इतना ये रेड रेड हो गया था और ये फ्लफी सा हो गया था, ठीक है। एंड जो क्लॉट होते हैं, जो ब्लड के थक्के जो बोले जाते हैं ना, एकदम जेली जेली से जो निकलते हैं, वो भी हल्का हल्का इसमें चिपका था और एब्जॉर्ब सा हो गया था। काफी ज्यादा मतलब निकाल रही थी ना तो मुझे काफी ज्यादा गंदा सा लग रहा था, और पेन उस लेवल पे उतना ही लग रहा था, इतना अजीब लग रहा था उसको खींचना। आई डोंट नो क्यों मेरी जो आवाज है वो बार बार फंस रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा, एंड लिटरली मैं फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज करोगे, यू विल फील कि आपको इसको ट्राई नहीं करना चाहिए था, एंड आई एम स्टिल फीलिंग दैट। आई डोंट नो और भी जितने टेम्पन रखे हुए हैं, मैं उनको कैसे यूज करूंगी, कब करूंगी, कोई अता पता नहीं है। एंड ये कंडीशन मेरी टेम्पन के साथ है, अभी मुझे मेंस्ट्रुअल कप भी यूज करना है, जो कि मैं आज बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो 3 घंटे मैंने स्पेंड किए हैं ये टेम्पन के साथ, दैट वॉज रियली अनकंफर्टेबल। तो आज तो मैं टेम्पन यूज नहीं करूंगी, कल करूंगी, सेकेंड डे में यूज करूंगी। एंड अभी जो है मैंने सैनिटरी पैड जो मैंने लगाया हुआ था 3 घंटे में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि लीकेज वगैरह हुई, तो कुछ नहीं हुआ, तो वही सैनिटरी पैड के साथ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, टेम्पन निकाल दिया है। एंड उसके बाद अगर रात में नींद खुलती है तो मैं उसको चेंज करूंगी, एंड या अब सुबह मिलते हैं, मैं सुबह जो है मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करने वाली हूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि वो ये कंफर्टेबल रहेगा मेंस्ट्रुअल कप भी, क्योंकि उसका साइज जिस हिसाब से बड़ा है तो मुझे उसको देख के डर लग रहा है। टेम्पन के साथ इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल रही, टेम्पन मुझे इतना ज्यादा खराब लग रहा है, आई डोंट नो अबाउट टेम्पो वो मेंस्ट्रुअल कप, ओ गॉड।